ये है फोर स्ट्रोक पावर स्प्रेयर। इसको चलाना कैसे है, इसमें आपको डालना है इंजन ऑयल, जिसको आपने हर इसको 10 घंटे बाद बदलना है। पहले 10 घंटे बाद बदलना है, फिर हर 20 घंटे बाद बदलना है, और हर 10 घंटे बाद देखना है ऑयल अगर उड़ गया तो उसमें ऑयल भरना हो रहा है। इसमें आपको पेट्रोल लगेगा, सूखा पेट्रोल डलेगा। जब स्टार्ट करना है तो स्टार्ट इसको जो है यहाँ पे एक निप्पल सी लगी हुई है, ये दिख रहा होगा आपको, इसको दबाएंगे, इससे पेट्रोल चढ़ जाएगा। जब नई मशीन होगी तो आपको 7-8 बार दबाना पड़ेगा, और जब आपका मशीन दोबारा चलेगी 3-4 बार दबाना और आपकी चल जाएगी। ये आपकी चोक है, चोक को ऊपर करनी है, चोक को ऊपर करना है, पहली बार स्टार्ट करना है, इंजन की रस्सी खींचनी है, उसके बाद जैसे स्टार्ट हो जाएगा चोक नीचे कर देनी है। अब पीछे दिखा देते हैं आपको पीछे क्या क्या लगेगा। यहाँ पे आपका डलेगा सक्शन की पाइप, जिससे आपका पानी चढ़ेगा। ये आपकी बाईपास है, जो पानी आपका वापसी आएगा, और ये आपकी जो है डिलीवरी की पाइप है, ये पाइप, और ये गन लगी हुई है इसमें। गन इसमें आपको और बढ़िया भी लगा के दिखाएंगे, पहले आपको इसमें दिखाएंगे, फिर दूसरे में गन दिखाएंगे आपको। ये पानी में डाल दिया, फिल्टर लगा हुआ है, ऐसा फिल्टर आता है, ये फिल्टर लगा लेंगे। ये इसके पैर आते हैं, ये पैर लगा लेंगे इसमें, और इसको चलाएंगे अब हम। ये देखिए इंजन बहुत कितना स्मूथली स्टार्ट हुआ है इंजन। ये पाइप यहाँ से, ये देखिएगा, ये पानी यहाँ से ले रही है पाइप, और यहाँ से हमें जब इसे रेस देंगे तो ये पानी उठाता है। यहाँ से हमें प्रेशर एडजस्ट करना है कि कितना प्रेशर देना है। ये प्रेशर यहाँ पे टाइट हो रहा है, कम प्रेशर, और यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर, ये देखिएगा बहुत दूर तक जा रहा है प्रेशर इसका। अब हम दूसरी गन के साथ इसको इस्तेमाल करके देखेंगे, ताकि दूसरी गन का ज़्यादा सस्ता बढ़ाए। कितनी बढ़िया गन है ये, कितनी शानदार थ्रो आ रही है, और गन देखिए कितना बढ़िया, कितना ऊपर तक फवारा जा रहा है, और फॉगर कितना अच्छा है इसमें, बहुत अच्छा फवारा। मशीन बंद करनी है तो मशीन को बिल्कुल स्पीड पे जीरो कर देंगे, और यहाँ पे एक लाल बटन लगा हुआ है जिसको दबा के मशीन बंद कर सकते हैं। इस पंप में ऑयल होता है, जिसको हमें हर 20 घंटे बाद चेंज करना चाहिए। ये ग्रीसिंग के कप्स हैं, जिसको हमें रोज एक चूड़ी इस तरफ घुमा देना चाहिए, और जैसे ही ये कप ख़त्म हो जाएगा ग्रीस के, तो दोबारा इसमें ग्रीस भर देनी चाहिए। और इंजन ऑयल का तो आपको पता ही है कि इंजन ऑयल आपको चेंज करना चाहिए।